हाय एवरीवन, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस जॉब के बारे में बात करेंगे, अमेजोन की गो एआई जॉब के बारे में। ये जो जॉब है, इसका क्वालिफिकेशन, सैलरी पैकेज एंड अप्लाई करने का प्रोसेस एंड कैसे सेलेक्ट होना है, इस एंड एवरीथिंग इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले गो एआई के बारे में, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूँ तो इसमें आपको बस 5 से 6 सेकंड का एक वीडियो देखना है, वीडियो या फोटो भी दे सकता है, उसको देखकर एनोटेशंस मीन्स कमेंट देना है। तो इसके लिए आपको पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग भी मिलेंगी, ठीक है। तो ये आपका रोल रहने वाला है। तो बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन, अगर आप ग्रेजुएशन किया है किसी भी फील्ड में, एनी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन अगर आप पास कर लिए तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं। अगर आप फ्रेशर हैं या फिर आप किसी भी फील्ड में आपका एक्सपीरियंस, तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो नॉर्मल आपको रीजनिंग की स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, लॉजिक रीजनिंग, तो ये अगर आपका अच्छा रहता है तो ये आपका प्लस पॉइंट हो जाता है। बात कर लेते हैं लोकेशन की। लोकेशन यहाँ पे अभी बेंगलोर या फिर आप दिल्ली एनसीआर या फिर अदर्स लोकेशन के लिए भी है, मैं लिंक दे दूंगा अदर्स लोकेशन के लिए भी। तो पैन इंडिया में आप कहीं से भी हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। एंड बात कर लेते हैं इसका सैलरी पैकेज का, यानी कि 2.5 LPA से स्टार्ट है और अप टू आपका स्किल्स, आपके इंटरव्यू एक्सपीरियंस के हिसाब से 3 LPA तक जा सकती है। इसके अलावा टाइमिंग की बात करूँ तो टाइमिंग आपकी रहने वाली है और 2 वीक ऑफ रहेगा अमेजोन में। अगर आप, आपने सुना ही होगा अमेजोन में 2 वीक लगातार 2 छुट्टी देते हैं हफ्ते में, और इसके अलावा दो दो छुट्टी कोई भी हो सकती है, जैसे ज़रूरी नहीं है कि शनिवार रविवार, इसमें आपका 2 वीक ऑफ कोई भी रह सकता है। और बाकी अगर आप यहाँ पे अप्लाई करने का प्रोसेस देख रहे हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करना है वो मैं आपको आगे बता दूंगा। देन आपका सबसे पहला प्रोसेस रहेगा आपका ग्रामर टेस्ट है। अगर आप ग्रामर टेस्ट क्लियर कर लेते हैं देन आपका रहेगा वर्जन टेस्ट। वर्जन टेस्ट के बाद में आपकी इंटरव्यू रहेगा और उसके बाद में आपका ऑनबोर्डिंग लिया जाएगा। तो ये बेसिक प्रोसेस है। और कई व्यूअर्स पूछ रहे थे इसमें सेल्फी क्लिक नहीं हो रही है, वो नहीं हो रही, वो सारी चीज़ हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और कैसे इस जॉब को अप्लाई करना है। सो गाइज, जैसे कि मैंने बोला था, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये इस लिंक के थ्रू आप डायरेक्टली क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप आ जाओगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप दिल्ली या बेंगलोर जिस भी लोकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। गो एआई एसोसिएट बेंगलोर 6 मंथ कॉन्ट्रैक्ट, गो एआई एसोसिएट दिल्ली एनसीआर 6 मंथ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि 6 मंथ में आपका अगर आप टारगेट अचीव कर लेते हो तो वो आपका परमानेंट हो जाता है। तो हम सिंपली यहाँ अप्लाई नाउ पे अप्लाई पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अप्लाई पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे फॉर्म खुल जाएगा। तो ये थोड़ा आप टेस्ट देते हो उस वक्त आपको थोड़ा सेल्फी इस प्रकार से क्लियर बैकग्राउंड की होनी चाहिए और प्रॉपर आपके कैमरे के अंदर होनी चाहिए, नहीं तो आपके सेल्फी वाला प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम फॉर्म पूरा फिलअप करते हैं, देन आपको फॉर्म फिल करते ही आपको एक मेल रिसीव हो जाएगी, ठीक है। जॉब रोल यहाँ पे हमने सुन लिया है। एंड यहाँ पे आप हाउ डिड यू फाइंड अबाउट द जॉब, यू यू कैन क्लिक यूट्यूब एनीथिंग। आप फुल नेम डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और जेंडर चूज करेंगे, आप मेल है फीमेल है, एंड सिटीजन आप चूज कर सकते हैं इंडियन, डिसेबिलिटी अगर आप में कोई है अदरवाइज नो करेंगे या फिर, ठीक है। और एड्रेस प्रूफ में आपका जो भी एड्रेस है वो स्टेट मेक श्योर करें। आप जिस भी लोकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, मान लीजिए आप दिल्ली एनसीआर से अप्लाई कर रहे हो तो वो दिल्ली एनसीआर के आसपास आप रहने चाहिए, ठीक है। हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएट जो भी आपका पासिंग ईयर है वो डालेंगे, टोटल ईयर एक्सपीरियंस है अगर आप में पास्ट का तो वो डालेंगे, ठीक है। करंट अगर एम्प्लॉयर हैं तो वो डाल सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे एनए भी लिख सकते हैं। एंड डू यू हैव एनी एक्टिव करेंट बैकलॉग्स, येस और नो करेंगे। आर यू विलिंग टू ओवर टाइम पर बिजनेस रिक्वायरमेंट, यहाँ पे हमेशा येस ही करना है। अगर नो करोगे तो आपको एनी काइंड ऑफ रिस्पॉन्स नहीं आएगा अमेजोन की तरफ से। आर यू विलिंग टू वर्क रोटेशनल शिफ्ट वीक ऑफ, तो भी येस करेंगे। विलिंग टू रिलोकेट, तो भी येस ही करेंगे, ठीक है। अगर आपको बाद में करना नहीं करना वो बात की बात है, लेकिन एक बार अगर आपको सेलेक्ट होना है तो यही स्ट्रक्चर फॉलो करना है, ठीक है। आर यू विलिंग टू बी जॉब दैट रिक्वायरमेंट इंटरेक्टिंग विथ कस्टमर वी ए टेलीफोन ईमेल, तो यहाँ पे येस करेंगे। नॉलेज एम एक्स एक्सेल वो आप भी येस ही करेंगे। पेन डालेंगे, आपका ई आधार डालेंगे, सेलेक्ट करेंगे। एंड प्रीवियसली कहीं आपने अमेजोन में काम किया है तो येस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। करंटली वर्किंग विद अमेजोन, येस है या नो डालेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट में आपका रिज्यूम डालेंगे, पासपोर्ट साइज फोटो डालेंगे, डिक्लेरेशन करेंगे एंड यहाँ पे सबमिट करेंगे। फ्रेंड्स, सबमिट करते ही आपको एक मेल आ जाएगी टेस्ट के लिए, ग्रामर असेसमेंट टेस्ट के लिए। फिर आपकी वर्जन का टेस्ट रहने वाला है, फिर आपका वर्जन क्लियर होते ही आपका, अगर वो वर्जन क्लियर हो जाता है तो इंटरव्यू हो जाएगा एंड देन ऑनबोर्डिंग हो जाए। तो ये प्रोसेस है। अगर आप अभी भी कोई जॉब ढूंढ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर रोज़ एक अच्छी अपडेट, जॉब अपडेट मिलती रहे। अगर आप इंटरव्यू करें करना चाह रहे हो या पार्ट टाइम जॉब पा रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं। थैंक यू सो मच वॉचिंग गाइज।